सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी हम लोग बस निकले हुए हैं गजनेर का किला देखने के लिए, ठीक है। तो बस हुआ क्या उसमें कि हम लोग गजनेर का किला जैसे तैसे पहुँचे बीकानेर से। हम लोग बाई बस निकले थे और 50 रुपये का रिफेयर था इसकी, जो बीकानेर से इसकी जो डिस्टेंस है गजनेर किला की वो है 37 किलोमीटर के अराउंड है, 35 से 37 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1.5 घंटे अराउंड में पहुँच गए थे वहाँ तक। तो बस लेकिन हुआ ये कि जब हम लोग वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ जाके पता चला कि उसकी टिकट जो है 250 से 300 रुपये, मतलब वो उसके हिसाब से लेते हैं, मतलब पर्यटक के हिसाब से, और अप डाउन भी करते रहते हैं। तो वहाँ जाके मतलब बन नहीं पाए, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं, बाहर बाहर बिल्डिंग देख के लौट सकते हो, लौट आओगे, अंदर का कुछ नहीं दिखाते उस टिकट पे, क्योंकि वो जो फोर्ट है वो एक बोलते ना कि मतलब उस टाइप से हो गया है कि उसको एज अ होटल टाइप का जो पैलेस बना देना, उस टाइप से लोग इसको यूज़ करने लगे। तो फिर सबसे अच्छी बात वहाँ पर पता क्या हुएगी, जो मतलब जिस जो हम लोगों को लेके गए थे भैया, मतलब जो हम लोगों ने ऑटो बुक किया था, तो उन्होंने बोला चलो मैं बाहर बाहर से तो मैं ही दिखा देता हूँ। तो जो उसके जो आसपास झील वगैरह बनी हुई है वो उन्होंने दिखाई, आप वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही उम्दा प्लेस, बहुत ही सुंदर प्लेस है सीरियसली यार। मतलब आप ये खुला मौसम, ये खुला आसमान, और ऐसा ये नीले बादल, और ऐसा पानी, और ये झील, मतलब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं यार, ये डिज़र्ट आसपास का, और ये इतने सुंदर सुंदर से पेड़ और इतना नीला आसमान, मतलब मुझे दिल्ली में तो ऐसा नज़र नहीं आता है। दिल्ली में तो आसमान ही नज़र आ जाए बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली सर्दियों के टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ, इसको महाराजा गंगा जी ने बनवाया था, मतलब इसको ये। तो गाइज इसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ से फिर हम लोग दोबारा बीकानेर आए, बीकानेर से अब हम लोग निकले हुए हैं काड़ी माता मंदिर के लिए। तो गाइज हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी हम काड़ी माता मंदिर पहुंच चुके हैं, और इसकी जो डिस्टेंस थी बीकानेर जंक्शन टू काड़ी माता मंदिर ये 31 किलोमीटर है। और ये इसके आप यहाँ पे बसेस वगैरह चलती रहती हैं, हर आधा घंटे में आपको बस मिल जाएंगी, कुछ बस स्टॉप है 3। तो अभी गंगाराम बस स्टॉप से हम लोग वहाँ से आए हुए हैं, हम लोग ये काड़ी माता मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर के स्थान पर तो आपको बाहर काफ़ी छोटी छोटी सी शॉप्स मिल जाएंगी, टॉयज़ वगैरह की मिल जाएंगी, बच्चों के खिलौनों के, और छोटा मोटा सामान जो चूड़ियों वगैरह की है, जो यहाँ की चीज़ें हैं आकर्षित करती है अपनी तरफ, उन सब की आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी दुकानें मिलेंगी। पूजा पाठ का सामान आपको मिलेगा, और चप्पल जूते आप बाहर उतारने की व्यवस्था अच्छे से खासी कर रखी है, तो आपको वॉशरूम वगैरह की भी यहाँ पे व्यवस्था है। सो अगर आप लोग आएँ तो ऐसी कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, ये यहाँ का सबसे अच्छा मुझे लगा, क्योंकि बहुत जगह जाओ ना वॉशरूम वगैरह नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग जब पूरा पूरा दिन ट्रैवलिंग करते, यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, तो यार वॉशरूम कहीं ना कहीं तो चाहिए होता है। सो मतलब जहाँ पे मिल जाता तो ऐसा लगता है यार ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि मतलब रिलैक्स होना भी बहुत बड़ा होता है। और ये इसकी अब हम आपको कहानी बताते हैं काड़ी माता मंदिर की, क्या कहानी है तो आप ये चूहों को देख के समझ सकते हैं। इस मंदिर में बहुत चूहे, हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे चूहे हैं, मतलब आपको पैर रखना मुश्किल पड़ेगा। ये नीचे नीचे ऐसे मतलब घूम रहे होते हैं ना, पीछे पीछे ऐसे नीचे नीचे, कि मतलब देख के ये लगता पता नहीं इनके ऊपर कब पैर पड़ जाएगा। और ये ऊपर देखिए कैसे चढ़ के बैठे हुए हैं, तब दीवालों पे, कई घड़ियों पे, कई किनारे किनारे, मतलब चूहे तो कहीं भी चढ़ जाते हैं। ये देखो कितने आराम से सो रहा है किनारे से बैठ के। तो काड़ी माता मंदिर का क्या है कि काड़ी माँ का कुछ ऐसा था कि इनकी कोई संतान मतलब नहीं रही थी ख़त्म, तो इनको वरदान लगा हुआ था कि ये चूहों के रूप में हमेशा इनके पुत्र, मतलब इनका जो पुत्र है ये चूहों के रूप में रहेंगे इनके साथ में यहाँ पे मंदिर में। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जिसके पैर के ऊपर से निकल जाए या एक वाइट सफ़ेद वाला चूहा जिसको नज़र आ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सो आप देख सकते हो मेरे पैर के पास कैसे चूहा बैठा बैठा हुआ था, मतलब यहाँ पे कोई इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है इन चूहों को, ये बहुत आराम से रहते हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी की जाती है, लोग पर्यटक जितने भी घूमने आते हैं स्पेशली मतलब चूहों के लिए अलग से दान करके जाते हैं, चूहों के लिए अलग से खाना लेके आते हैं। सो आप जाके ये सब चीज़ों को वहाँ पर डोनेट कर सकते हो, इन चूहों की हेल्प कर सकते हो। अभी आपको जगह जगह आपको बस, मतलब मुझे तो ये अजूबा लग रहा था एक्चुअली, तो मैं इनको बड़ा उसमें पूरी कोशिश कर रही थी, मतलब मैं इनको कैसे कैसे करके कैप्चर कर पाऊँ। थोड़ी सी भीड़ भी थी, मतलब इतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी, दर्शन करना आसान था, बहुत आराम से दर्शन भी हो गए थे।
तो आप देख सकते हो अभी हम लोग मंदिर परिसर के अंदर में ही हैं, और चूहों की वजह से मैं इतना बस जरूर बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा सफाई का अगर आपको लगेगा तो, क्योंकि चूहे हैं तो भाई जगह जगह गंदा तो करेंगे ही, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा, क्योंकि इनका खाने पीने का जो है लोग कहीं भी डाल देते, इनको खिला पिला रहे हैं, तो आप देख सकते हो इनके पूरे साइड साइड से पूरा खाना खाने का ऐसे लगा हुआ है मंदिर के, और ये देखो कैसे बिल में कहीं भी घुस जा रहे हैं, कहीं से भी निकल रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत संभाल संभाल के चल रही थी कि कहीं मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, और बस क्योंकि यार इतना भी मतलब मैं फ्रेंडली नहीं हूँ पेट मतलब एनिमल से, तो मतलब जो हमारे पेट हैं डॉग वगैरह उनसे तो पहले मैं, अदरवाइज मैं जल्दी किसी जानवर को छूती नहीं हूँ, ये सच्चाई है। और ये फिर आप बैक साइड का जो मंदिर परिसर के और भी छोटे छोटे से वहाँ पे मंदिर बना रखे हैं, सो अब इन सब की दर्शन भी कर सकते हो वहाँ पे जाके, और बहुत मज़ा आएगा। ये आरस तो बहुत इन्जॉय कर रहा था, यहाँ पे कबूतर थे तो ये देखो कबूतरों को कैसे उड़ा रहा है, यहाँ पे लोग जाके दाना वाना बाजरा वाजरा खिलाते हैं इनको आके, तो बाजरा वगैरह रखा रहता है, लोग लेके भी आते हैं, तो इनको चुगाते हैं आके, और बहुत सारे ये पिजन्स हैं, ये तो उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो मैं इसको बोल रही थी भैया मत परेशान करो, बट बच्चे कहाँ सुनने वाले, को बड़े मज़े आ रहे थे। उसके बाद बस हम लोग गए थे कड़ी माता म्यूज़ियम, यही सामने आपको नज़र आएगा, जस्ट मंदिर के अपोजिट में म्यूज़ियम है। सो यहाँ पर 5 रुपये टिकट है म्यूज़ियम की, मतलब मुझे तो बड़ा जोक सा लगा यार, 5 रुपये आजकल कहाँ क्या चलता है। तो गाइस जैसे आप म्यूज़ियम में आएंगे ना, तो आपको बस कड़ी माता के बारे में कैसे कैसे क्या क्या था, क्या क्या मतलब जो हुआ था प्राचीन काल का, जो हमारा इतिहास है बेसिकली, वो आपको इस म्यूज़ियम में पता चलेगा। और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से आप यहाँ पे आके एक एक जब एक तरफ से देखते जाएंगे इन चीज़ों की, इन जो सीनरीज लगी हुई हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मेरे को उबासी आ गई थी यार, सॉरी हो जाता है कभी कभी, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, आई एम रियली सॉरी। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं कि हाँ आपको पिक्चर्स देख के आपको नज़ारा पता चल जाएगा। जस्ट उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, हम लोगों ने आराम से 1-1.5 घंटा हो कि होटल में टाइम, होटल इन द सेंस रेस्टोरेंट में टाइम बिताया, खाए पिया मस्त बैठे थोड़ी देर, अच्छा खासा आराम आराम से खाया। उसके बाद बस हम लोग पहुँच चुके हैं वैष्णो धाम, और यहाँ पर जाने के लिए भी 300 रुपये पड़े, क्योंकि बीकानेर जंक्शन जो एक मेन हम लोगों ने वो चुना हुआ था अड्डा, वहाँ से निकले, टाइम हम लोगों का था हम लोग के पास में, तो हम लोग सोचे चलो घूम लेते हैं वैष्णो धाम। और यहाँ पर गाइज अगर आप बीकानेर आए ना, तो ये प्लेस बिल्कुल मत मिस करना, और ट्राई करना कि यहाँ पे सूर्यास्त का जो टाइम होता है ना, वो वाला टाइम एंजॉय करना, क्योंकि यहाँ पे जो इवनिंग की समय और प्लस जो नाइट की लाइटिंग्स होगी ना, आप दोनों एंजॉय कर पाओगे, बहुत ही बेहतरीन, मतलब इतना सुकून मिलेगा आपको इस जगह, सीरियसली। मतलब वैष्णो धाम पूरा उन्होंने कोशिश की है, जो हमारे वैष्णो माता जी हैं उन्हीं की तरह ये बनाने की कोशिश, तो ये शेर का मुख है, उसके अंदर से ये एंट्री होती है, आप सब जस्ट जैसे एंट्री करोगे आपको सामने गणपति बप्पा बड़े से नज़र आएंगे, उनके ऊपर आपको भोले बाबा नज़र आएंगे सामने, और इसके बाद जो हमारा राइट हैंड साइड है यहाँ पर और छोटे छोटे से मंदिर हैं, और बहुत सारे वो छोटी छोटी सी मूर्तियाँ रखी हैं, वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होती है। सामने ये कैलाश पर्वत है, और इस पर्वत पर हमको चढ़ के जाना होता है, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती कि सीरियसली, मतलब पता है हम लोग इस चीज़ को छोड़ने वाले थे, फिर ये प्लान बना, मैंने कहा पापा टाइम है तो हम लोग घूम ही लेते हैं चल के ना, मतलब फिर हम लोग बस निकले, तो भाई साहब मतलब ऐसा लगा कि यार कहाँ जन्नत मिस करके जा रहे थे इतना घूमने के बाद। तो आप सामने देख सकते हो ये मंदिर है, छोटे छोटे से साइड में सारे भगवान जी के, तो रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, बट मेरे जैसा है इंसान कहीं से भी कर लेता है, ठीक है, पूछ पछ के जैसे भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरी मेरा काम है, मैं यहाँ तक आई हूँ तो आप लोगों तक चीज़ों को शेयर करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे कि हमारे साथ में जो लोग कभी अगर जुड़े हैं घूमना चाहते हैं, तो एक उनको फील हो जाता है यार, मतलब और आप इतनी जगह पे आके अपनी इतनी मेमोरीज इतनी प्यारी प्यारी से, देखो फोटो पाई, कटरा जंक्शन है बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है, कटरा भी छोटा सा, मतलब पूरा ये मड का बनाया हुआ है इस तरीके से, बहुत ही सुंदर लग रहा था सीरियसली। वाटर है साइड में पूरा निकला हुआ पानी, इधर उधर से झरने टाइम। अब आप अर्धकुंवारी की तरफ हम लोग फिर ये चढ़ते हैं, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है, थोड़ी चढ़ाई है, मतलब जो मिट्टी सा बना है सामने आपको नज़र आ रहा है बस यही चढ़ाई है, बट फील बहुत कराता है, इतनी छोटी सी जगह में आपको इतनी अच्छी वाली फीलिंग्स आएंगी ना, मतलब अब ये चीज़ तो आप बस वहाँ जाके फील कर सकते हो। और उसने बहुत मज़े किए, बहुत मज़े किए सीरियसली, उसने बहुत सारी मस्ती की है, मतलब बच्चे वैसे मस्ती कहीं भी कर लेते हो, और इसको तो मिल गया खुला एरिया, फिर तो कह नहीं कि आरुष बाबा के,
फुल मस्ती की है भाई साहब ने इन्होंने। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आप ऐसे चलते जाओगे तो ये छोटे छोटे से बीच बीच में मंदिर बना रखे हैं, ऐसे पंडित जी लोग बैठे होंगे और बस आपको थोड़ा सा दान दक्षिणा देगी हो देनी होगी और वो आपको टीका लगाएंगे, छोटा सा थोड़ा सा प्रसाद देंगे और बस चलते बनो, आगे बढ़ते बनो। तो इसके बाद चलो, अब इसके बाद जो है ना मतलब अर्धकुमारी जो पार करके नीचे से गुफा से वो निकलना होता है, अब वहाँ के मज़े लेना गाइस। तो मैंने वहाँ पे, मैं अपनी कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि भाई साहब मैं तो हंस हंस के पागल हो गई थी। सो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। चल मेरा बनाना, मैं निकलूँ, आप निकलो निकलो तो पापा बना देंगे जल्दी से। पापा मेरा बनाना। जाओ सर, जाओ ना। एक और इसके बाद पापा चिट्ठी खाना है, उतना नहीं रखो। चलो चलो कहाँ कहाँ ले आओगे, नाटक करते घूमते रहते। बालों को तुम्हें हंसी आ रही? निकल जाओ निकल जाओ, तुम बस घोर वाला है। ये मजा है मम्मी ने तो मुझे लगा सब सुने गए तो ऐसे लिखो। चलो आप कैमरे की नजर में है, सावधान। बहुत अच्छा बताया हुआ कैलाश पर्वत। बहुत तेज घुस रही है। आगे आगे गाइस, ये कैलाश पर्वत के बैक साइड का व्यू है। मतलब आप उतना घूम के जब आप उतरोगे ना वहां से नीचे के लिए, तो आपको पीछे ये नजारा देखने को मिलेगा। ये भी अपने आप में एक अजूबा था। हाँ हाँ देख लो। ओके अंकल अंकल देखो अंकल, अच्छा व्हिच वन? ओके मुझे पानी।
एंड उसके बाद जस्ट हम लोगों ने फिर यहाँ पे खाना वाना खाया, क्योंकि फर्स्ट डे तो हम लोगों को पता है ये जो होटल्स वगैरह ये सीरियस पता ही नहीं थी। जब हम लोगों ने बीकानेर घूमा थोड़ा सा, उसके बाद सेकंड डे हम लोगों के सब कुछ पता चला, तब तक हम लोगों के वहाँ से बीकानेर से विदाई होने को थी, मतलब हम लोग बस दिल्ली वापस होने, क्योंकि हम लोगों की जो ट्रिप थी बस 3 दिन का ही प्लान था, क्योंकि 3 दिन बीकानेर में ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं घूमने के लिए, इतने दिन सफिशियंट थे। और इससे ज़्यादा जैसलमेर अगर आगे का प्लान करते हैं तो टाइम हम लोग के पास बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज की क्लासेस रहती हैं आराम से। नो के साथ ज़्यादा छुट्टी है, जैसे ट्रेन है सो हम लोग पढ़ते हैं अपनी ट्रेन की तरफ, और बस ट्रेन लगने वाली है। काफी बड़ा जंक्शन है, देखो कहाँ से कहाँ तक, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है जंक्शन चुके हैं हम लोग को, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे वेट, यहाँ से वहाँ तक इतना फैला हुआ है। सुबह वेट करने के बाद पापा लोग आ चुके हैं और ट्रेन हमारी लग रही है, तो बस अभी जिंदगी विदा। अब देखिए बीकानेर का माना होता है बहुत मस्ती, बहुत इंजॉय किया, आप लोग भी आइए कभी टाइम निकाल के घूमने की जिंदगी है, फिर वो मस्ती करो। अगर आप कब तक घर में बंद होके रहोगे, लाइफ का कुछ पता नहीं है, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। हम लोग का प्लान मतलब कोशिश करते हैं हम लोग के बहुत जल्दी जल्दी प्लान बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं हम लोग तो, सो यही लाइफ है। और बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया, लोग बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे, बहुत गंदे टाइप के ऐसे बहुत जगह के लोग होते हैं ना, मतलब यहाँ के लोग बहुत हम लोगों को कोई भी ऑटो रिक्शा वाले जितने हम लोगों ने यहाँ पे रिजर्व किए, बहुत लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में सबको समझाते गए, जहाँ जहाँ लेके गए वहाँ वहाँ उनको बोला, तो उन्होंने जब हम लोग को समझा सकते समझाने की कोशिश की, सब बहुत ही मजा आया सब लोग। सेम उधर भी ऐसा ही है, बट उधर लाइटिंग नहीं है ना, लाइटिंग तो वहाँ पे फील नहीं हो रहा है इधर। बीकानेर जंक्शन से चलकर जयपुर गया के रास्ते हावड़ा को जाने वाली गाड़ी संख्या 223 कहाँ जा रहे हैं, बीकानेर जंक्शन देखो कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। सो गाइस आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, आप यहाँ की देख सकते हैं, आगे लाइटिंग से आगे चकवा चौक, मतलब इतना अच्छा लग रहा था नाइट में यहाँ पे सामने खड़े होके, मतलब फील नहीं हो रहा था यार होटल। और क्लीनिंग की बोलूँ तो सच बोलूँ तो मतलब आप तो प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन रेलवे स्टेशन वो लगते ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यूपी के लगभग बहुत सारे रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छे लगे, मैंने गोरखपुर का देखा, उसके बाद ये बीकानेर का देखा, मतलब इतनी सफाई कहीं पे भी एक स्मेल नाम की जरा सी भी चीज़ नहीं है, सो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सीरियसली। आराम से रन एंड बस यहाँ पे क्या है ना, ट्रेन जो हम जो हम जिस कोच में हम लोगों का रिजर्वेशन था वही कोच नहीं लगा था यहाँ पे एसी वाला, तो अब वो लास्ट में लग रहा है यहाँ पे, सो बस अभी मैंने यहाँ से हम लोग बैठ जाएंगे और यहाँ को बोलेंगे बाय बाय, और अब आप लोगों को मिलेंगे हम सीधा दिल्ली में। इसके बाद के जो ब्लॉग्स होंगे वो हमारे घर से ब्लॉग्स आएंगे, ये हमारा फाइनली ट्रैवलिंग का जो है ना लास्ट वीडियो होगा जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को मतलब एंजॉय किया होगा, काफ़ी फील हो जाता है वीडियोस को देखने के बाद। जब ट्रैवल करते हैं, जब हम भी ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत लोगों के वीडियोस देखते हैं कि यार कहाँ कहाँ से क्या हमको हेल्प मिल सकती है, उसके बाद हम लोग घर से निकलते हैं। तो आप लोग खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।